अस्सलाम वालेकुम क्लास सेवन्थ, आई होप यू ऑल विल बी गुड। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 11। टुडे डेट इज़ 22/7/2020। इट्स माई 16th लेक्चर एंड डे इज़ वेडनेसडे। सी एडजेक्टिव्स यूज एज नाउन। सम एडजेक्टिव्स वी यूज एज नाउन, यानी कुछ एडजेक्टिव्स को हम नाउन के तौर पर भी यूज़ करते हैं। एडजेक्टिव्स आर ऑफन यूज एज नाउन। फर्स्ट इज गिवन एज प्लूरल नाउन डोनेटिंग आ क्लास ऑफ पर्सन एज। इफ़ वी आर राइटिंग एनी एडजेक्टिव, अगर हम किसी भी एडजेक्टिव को लिखते हैं जो कि क्लास ऑफ पर्सन यानी डिफरेंट क्लास ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा, तो वो एज अ नाउन यूज़ होगा। यानी एडजेक्टिव्स को हम नाउन के तौर पे यूज़ करें होंगे वो एडजेक्टिव्स, लेकिन अगर वो क्लास ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो नाउन होंगे। सी द कॉशियस पर्सन आर नॉट ऑलवेज कावर्ड। कॉशियस मीन्स मोहतात, यानी कि एक मोहतात आदमी जो है वो कभी जो है बुज़दिल नहीं होता, हमेशा बुज़दिल नहीं ही होता। सो कॉशियस पर्सन्स के बारे में बात हो रही है, यानी ग्रुप ऑफ पर्सन्स या क्लास ऑफ पर्सन्स के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ कॉशियस जो है एडजेक्टिव नहीं है, यहाँ पर ये नाउन है। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड कि यहाँ पर जितने भी हम सेंटेंसेस पढ़ेंगे दे आर नॉट एडजेक्टिव, दे आर स्टैंड एज नाउन। दीज एडजेक्टिव्स आर स्टैंड एज नाउन बिकॉज दे रिप्रेजेंट क्लास ऑफ पर्सन। सी सेकेंड वन द रिच। रिच पीपल नो नॉट हाउ द पुअर पीपल लिव। सो रिच हेयर मीन रिच पीपल एंड पुअर हेयर मीन पुअर पीपल। सो दे रिप्रेजेंट रिच पीपल एंड पुअर पीपल, सो दैट्स वाई रिच एंड पुअर इज नाउन हेयर नॉट एडजेक्टिव। ये जो एडजेक्टिव यहाँ पर लिखे हुए हैं ये एज अ नाउन यहाँ स्टैंड करें। जस्ट टू एग्जाम्पल्स आर इनफ। सी सेकेंड रूल एज सिंगुलर नाउन डोनेटिंग सम एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी। अगर सिंगुलर नाउन है वो एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी बता रहा है तो उसको हम एज अ नाउन लेंगे। द फ्यूचर इज अननोन टू अस। सो फ्यूचर हेयर इज नाउन, इट इज़ नॉट एडजेक्टिव। द फ्यूचर इज अननोन टू अस, यानी जो आने वाला वक्त है वो हमारे लिए अनजान है या हम उसको नहीं जानते, इसलिए यहाँ पर फ्यूचर जो है ये एज अ नाउन है, इट इज़ नॉट एडजेक्टिव। सी थर्ड सम एडजेक्टिव्स एक्चुअली बिकम नाउन एंड आर हैंस यूज्ड इन बोथ नंबर्स। सो सम एडजेक्टिव्स को हम एक्चुअली नाउन बना देते हैं, सच एज दीज। फर्स्ट ए इज रिटन एग्जाम्पल ए बी एंड सी, वो जस्ट टू एग्जाम्पल्स आर इनफ। यानी आपने ये लिखना है कि जो कुछ एडजेक्टिव्स एक्चुअली जो है नाउन्स बन जाते हैं उनमें ए बी सी ऑप्शन दी हुई हैं, यू हैव टू राइट ए ऑप्शन ए, देन जस्ट टू एग्जाम्पल्स आर इनफ। सी दोज डिराइव फ्रॉम प्रॉपर नाउन। सो इफ़ वी आर राइटिंग प्रॉपर नाउन सच एज ऑस्ट्रेलियंस कैनेडियंस इटालियंस, सो वी राइट एस 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 विद दीज। These are adjectives, but if we put SSS, it's actually become proper noun and they are noun here. They are not adjectives. These words are not adjectives. These words are noun here. Some donating person as juniors, seniors, and mentors till here. Just three examples are enough. So some donating person. किसी जो कुछ words हैं हम पर्सन्स के लिए डोनेट कर देते हैं, सर जूनियर्स यानी जितने सारे जूनियर्स हैं उनके लिए, सीनियर्स जितने सब सीनियर्स हैं उनके लिए हमने इन्हें डोनेट कर दिया। जूनियर एंड सीनियर इज एडजेक्टिव, बट इफ़ वी डोनेट दीज नाउन्स फॉर पर्सन्स, यानी इन नाउन्स इन जो एडजेक्टिव्स को अगर हम नाउन्स के लिए डोनेट कर देते हैं, मुख्तस कर देते हैं, तो इसलिए ये जो होंगे ये यहाँ पर नाउन होंगे। आर फ्यू डोनेटिंग थिंग्स जनरली एज सीक्रेट्स। सो कुछ थिंग्स जो जनरली हम बात करते हैं, सर सीक्रेट्स हैं टोटल्स लिक्विड्स, सो वी पुट एस विद दीज एंड दे बिकम नाउन, दे आर नॉट एडजेक्टिव्स। आई होप यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग। सम एडजेक्टिव्स बिकम नाउन इफ़ वी डोनेट दीज एडजेक्टिव्स एज सम स्पेसिफिक थिंग्स आर फॉर स्पेसिफिक पर्सन्स, यानी अगर हम किसी खास पर्सन्स के लिए बात करना शुरू कर दें या किसी खास जनरल थिंग्स के लिए बात करेंगे या एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स के लिए बात करेंगे तो वो वहाँ एडजेक्टिव्स नहीं होंगे, वो वहाँ एज अ नाउन हम लिखेंगे। सी द फोर्थ वन इन सर्टेन फ्रेजेस एज। सम फ्रेजेस आर यूज्ड एज नाउन नॉट एन एडजेक्टिव सच एज इन फ्यूचर
इन फ्यूचर इज फ्रेज, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं विच डोंट हैव क्लियर मीनिंग. फ्रेज मीन्स द ग्रुप ऑफ वर्ड विच डोंट गिव अस कंप्लीट मीनिंग. सो इन फ्यूचर, इन शॉर्ट, दीज आर टू फ्रेजेस. दे आर नॉट एडजेक्टिव हियर, दे आर नाउन इन दीज सेंटेंसेस. सच एज इन फ्यूचर आई शैल चेंज यू फॉर मेडिकल एडवाइस, चार्ज यू फॉर मेडिकल एडवाइस. एंड इन शॉर्ट वी नो नथिंग. सो इन शॉर्ट वी नो नथिंग, इन शॉर्ट हेयर इज फ्रेज एंड इट इज स्टैंड एज नाउन, नॉट एज एन एडजेक्टिव. सो समटाइम्स वी यूज एडजेक्टिव्स एज नाउन एंड द कंडीशन इज दैट इफ वी यूज एडजेक्टिव फॉर द ग्रुप ऑफ पीपल देन इट विल बी यूज एज नाउन, नॉट एन एडजेक्टिव. नाउ सी चैप्टर नंबर 12, पोजिशंस ऑफ एडजेक्टिव. सो वी हैव स्पेसिफिक पोजिशंस ऑफ एडजेक्टिव, यानी हमने एडजेक्टिव को किस जगह पर प्लेस करना है. इट विल बिकम बिफोर नाउन और आफ्टर नाउन, यानी हम इसे नाउन से पहले लगाएंगे या नाउन से नाउन के बाद लगाएंगे. देर आर सर्टेन रूल्स. आई हैव रिटन 1, 2, 3, इट इज़ रिटन 94. यू विल नॉट राइट 94, यू राइट पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, 3 and 4. अकॉर्डिंग टू your chapter, you will mention chapter number 12, position of adjectives, and then write point number 1. See point number 1, an adjective used attributively is generally placed immediately before the noun. अगर ये attribute बनाता है, यानी ये as a subject use होगा, तो फिर ये क्या होगा, immediately before the noun, ये noun के फौरन बाद आएगा. नाउन से पहले आएगा. आई वॉन्ट यू टू क्रॉस इट. जस्ट सी दिस वन, ऑब्जर्व द डिफरेंस इन मीनिंग बिटवीन. ए अ ग्रेट नोबल मैन सन, अ नोबल मैन ग्रेट सन. सो देर आर टू वेज टू राइट एन एडजेक्टिव. फर्स्ट अ ग्रेट, ग्रेट इज एडजेक्टिव हियर, नोबल मैन सन, सो एडजेक्टिव कम्स फर्स्ट एंड देन नाउन. बट इन एग्जाम्पल नंबर 2, आर नोबल मैन ग्रेट सन, सो वी राइट ग्रेट एंड देन सन. सो हियर आफ्टर सब्जेक्ट इट आफ्टर सब्जेक्ट इट इज कमिंग एंड हियर इट कम बिफोर ऑब्जेक्ट, यानी सन से पहले आया है. सन की बात हो रही है ना, ग्रेट सन, और ग्रेट पहले आएगा और सन बाद में आएगा. आई होप यू हैव अंडरस्टैंड कि एडजेक्टिव हम पहले लिखेंगे और फिर हम नाउन लिखेंगे, यानी नाउन से पहले एडजेक्टिव आएगा. सो सेकंड नंबर, इन सेकंड नंबर वी आर राइटिंग एडजेक्टिव बिफोर नाउन. सो सी, बिफोर नाउन वी आर राइटिंग एडजेक्टिव. सी सेकंड पॉइंट, इन पोएट्री हाउएवर द एडजेक्टिव इज फ्रीक्वेंटली प्लेस्ड आफ्टर द नाउन. सो इन सम पोइट्री वी राइट एडजेक्टिव आफ्टर नाउन, यानी नाउन पहले होगा और फिर एडजेक्टिव होगा. इन फर्स्ट एग्जाम्पल वी हैव एडजेक्टिव एंड देन वी राइट नाउन. इन सेकेंड एग्जाम्पल इन पोइट्री वी राइट नाउन एंड देन एडजेक्टिव. सच एज चिल्ड्रन, डियर, डियर इज एडजेक्टिव हियर. चिल्ड्रन डियर वॉज इट यस्टरडे. सो वी राइट एडजेक्टिव आफ्टर नाउन इन सेकेंड एग्जाम्पल बिकॉज इट इज poetry. In poetry we can write adjective after noun. We heard the sweet bells, so sweet bells over the bay. Sweet here is adjective. Just two examples are enough. In first we are writing adjective and then noun. In second example, in second point we are writing noun and then we write adjective. In third, see, when several adjectives are attached to one noun, they are sometimes placed after it for emphasis. यानी अगर बहुत से adjectives आ रहे हैं are attached to one noun, अगर एक noun के साथ ज़्यादा adjectives हमने use किए हुए हैं, they are sometimes placed after it for emphasis. यानी noun के बाद हम इसे लिखेंगे to emphasis, यानी जोर देने के लिए, to tell the importance of the noun. So we have one noun and several adjectives and these adjectives will emphasize about the noun, such as they are telling the quality of noun. Such see the example, there dwelt a miller, halt and bolt. So
So halt and bolt is adjective and wheeler is noun. So after noun we are writing these several adjectives to emphasize this noun miller. यानी miller को हमने emphasize करने के लिए, इस पर जोर देने के लिए halt and bolt जो है इस noun को जो है highlight करने के लिए हमने halt and bolt बाद में लिखा है और noun हमने पहले लिखा है. The king fearless and restless resolute. So after king we write fearless and resolute. So we write noun first and fearless and resolute is emphasizing the noun king. I hope you have understand why we write these several adjectives after noun. यानि noun के बाद हमने लिखे हैं इन adjectives को. Fourth one, when some words or phrases is joined to the adjective to explain its meaning. So the adjective is placed after its noun. So we are joining some words or phrases to explain adjectives. यानी adjectives को हमने explain करने के लिए या उसकी meanings को enhance करने के लिए कुछ words या phrases को join करना है. In this case we write adjectives after its noun. यानी noun के बाद हमने वो adjectives लगाने हैं. Such as he was a man fertile in reasons. So after noun, this is noun, we are writing fertile, it's adjective. So after the noun we write adjective. I think one example is enough. See point number 5. In certain phrases the adjectives always comes after the noun. Certain phrases, कुछ phrases ऐसी हैं जिसमें adjectives हमेशा जो हैं noun के से पहले आएंगे, noun के बाद आएंगे, sorry. Such as Harris apartment appearance, sorry, here apparent, time immortal, immortal, and Lord paramount. So Lord, time and Hari is noun and after these we are writing adjectives. यानी noun के बाद हम adjectives लिख रहे हैं. I think these examples are tough for you. You have to write the examples at the last. Such as notary, public, body, politic, and God Almighty. You have to write these three examples. These examples are easy for you. Notary, public, body, politic, God Almighty. Here notary, body, and God is noun and public, politic, and almighty. These are adjectives and these adjectives are coming after the noun. I hope you have understand the rules. There are 5 examples are given how we place the position of adjectives. Are we write adjectives? Sometimes we write adjectives before noun and sometimes we write adjectives after noun. These are your activities. You have to do this work on your notebook. इस काम को आपने notebook पे करना है. Point 1, 2, 3 से 5 तक लिखना है और सेम इसमें जो लास्ट में जो दिया हुआ है adjectives used as noun, इसमें first, second, third, fourth examples are given. You have to just write these examples and you have to write two examples with these points. I hope you have understand. I love this class.